सब लाइन एडिटर है, ये मैं इसके अंदर भी लिख देता हूँ आपको, सब लाइन एडिटर है ये, IDE जिसे हम कहते हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। इस सब लाइन एडिटर में हम डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस की कोडिंग कर सकते हैं, तो लेकिन अभी हम सिर्फ जो है ना वो पाइथन के साथ करेंगे। तो अभी मैंने इसको पाइथन लैंग्वेज को इंस्टॉल किया हुआ है और इसके साथ ही IDE जो सब फाइल मैंने ओपन कर दी है, restaurant.py नाम की, मैंने खुद से, आप खुद से भी जब भी आप यहाँ पे न्यू का बटन क्लिक करेंगे इसका, तो एक नई फाइल बन जाएगी, तो उसको अनटाइटल्ड अनटाइटल्ड होगी, तो आपने उसको क्या करना है, उसको सेव कर लेना है, और सेव करना है विद एक्सटेंशन .py। py स्टैंड फॉर पाइथन, ठीक है। py का मतलब है कि ये जो फाइल है ये पाइथन लैंग्वेज की फाइल है, ठीक है। तो अभी हमने एक पाइथन लैंग्वेज की फाइल को सेव कर ली है, तो अभी मैं इसकी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले काम क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप, हम क्या करते हैं, उनके पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, जो भी कॉमन पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ कॉमन पैकेजेस को कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ जी, ये सबसे पहले नंबर साइन लिखता हूँ। तो नंबर साइन का पाइथन में मतलब है कि आप कमेंट लिखने वाले हैं, कमेंट मतलब कि वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है जी। इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड पैकेजेस, ठीक है। अब इसमें मैंने जस्ट ये बताया कि हम अभी क्या करने लगे हैं, रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंपोर्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो इसके कौन से पैकेजेस हम इंपोर्ट करेंगे और कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट की कमांड यहाँ पे इस्तेमाल होती है, सबसे पहले num py as np, ठीक है। np num py पैकेज का नाम है, और उसको किस नाम से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, np के नाम से, और इसकी सेमी कॉलन वगैरह इसके एंड पे, यहाँ स्टेटमेंट के एंड पे पाइथन में सेमी कॉलन वगैरह नहीं आता है, ठीक है। एक और पैकेज है जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट पांडा एस पीडी, ठीक है। तो ये हमने दूसरा पैकेज इंपोर्ट कर लिया है जो कि पीडी के नाम से है। फिर उसके बाद हमारे पास है पैकेजेस, और उसमें से हमने कुछ खास क्लासेस को इंपोर्ट करना है, तो जो मेन जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसको कहते हैं sklearn, ठीक है। और उसमें हमारे पास एक मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स हैं, और उसमें हम क्या करना इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर से जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की क्लास है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही, फ्रॉम sklearn डॉट क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट, ठीक है, ये हमने इंपोर्ट किया है। इसी तरह फ्रॉम sklearn ये हम ट्री, अब जो एल्गोरिदम है उसको इंपोर्ट करने लगे हैं, इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ये बना हुआ है पहले से, ठीक है। तो हमने इसको आज इस्तेमाल ही करना है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर को इंपोर्ट कर लिया हमने। उसके बाद बेटा हमारे पास है sklearn फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, ठीक है। इसके बाद हम फ्रॉम sklearn मैट्रिक इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये बेटा जितने पैकेजेस हम हमने इंपोर्ट करने थे तो वो हमने इंपोर्ट कर लिए। अब जो सबसे अहम काम है वो हमने करना है, डेटा को, हमारा जो डेटा है उसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्टिंग डेटा, ठीक है, अपने डेटा को इंपोर्ट करना है। जी, अब डेटा को इंपोर्ट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाने लगे हैं, ठीक है।
जैसे आप सी या सी प्लस या किसी और लैंग्वेज में फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे भी फंक्शन बनाएंगे। अब फंक्शन बनाने के लिए क्या इसका सेंटेक्स है, पाइथन में डेफ कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डेफ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे फंक्शन का नाम जो भी आपने रखना था, इंपोर्ट डेटा, ठीक है, और उसकी आपकी ब्रैकेट्स आएंगी और कॉलन आएगा। ये किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का तरीकेकार है, आपने देख लिया है, डेफ कीवर्ड आएगा, फंक्शन का नाम आएगा, ब्रैकेट्स आएंगी और कॉलन आएगा, ठीक है। अब ये जो आपको एक चीज़ और बता दूंगा, जो पाइथन लैंग्वेज है ये लैंग्वेज इंडेंटेशन के साथ चलती है। इंडेंटेशन का मतलब है कि लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आमतौर पे सी सी टाइप लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके आप बताते हैं कि कौन सा कोड ब्लॉक ऑफ कोड है, इफ कहाँ से चल रही है, लूप कहाँ से चल रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन आपने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में भी हमने इसी तरह का स्टाइल पढ़ा था। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में भी हम तमाम स्टेटमेंट को आगे पीछे करके लिखते थे और उसका मकसद ये होता था कि कौन सी स्टेटमेंट किसके अंदर रन करेगी। तो यहाँ वही कंसेप्ट चलेगा, और यहाँ पे फंक्शन है डेफ इंपोर्ट डेटा, और यहाँ पे देखें जो कर्सर है वो अगली लाइन पे आ गया है और एक टैब के फासले पे ब्रिंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब जो भी इस फंक्शन का पार्ट स्टेटमेंट्स होंगी वो एक टैब इससे आगे होंगी, जैसे, ठीक है। तो जैसे अब एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है बैलेंस डेटा के नाम से और उसको असाइन कर दिया पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर SCSV, ठीक है। पी डी क्या है, पी डी आप देखें ऊपर हमने तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया हुआ है, पांडास ये लाइब्रेरी है उसका, पांडास लाइब्रेरी है उसका आपने एक नेम यहाँ पे लेके हैं पी डी के नाम से, और उसके अंदर फंक्शन है रीड्स SCSV, ठीक है। और ये जो क्या करेगा, हमारा डाटा रीड करके बैलेंस डाटा में डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाथ, वो पाथ देंगे जिसमें हमारा डाटा मौजूद है। तो मैंने जो हमारी एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट की, उसका मैंने एक छोटा सा वही डाटा सेट जो बुक के अंदर हमने पढ़ा था उसका मैंने बना के, तो वो मैंने पुट किया हुआ है यहाँ पे फाइल के अंदर। तो ये उसकी मैं लोकेशन बता रहा हूँ, ये आपके सामने मैंने उसकी लोकेशन बता दी है। इसकी लोकेशन है यूजर्स डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, डॉक्यूमेंट्स पाइथन प्रोजेक्ट्स रेस्टोरेंट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास, आप अगर आप बनाएंगे तो अगर आप विंडोज इस्तेमाल करें तो सी डी जो भी पाथ होगा वो आपने पाथ यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। उसके बाद इसके दो पैरामीटर हैं कि सेपरेटर के, ये जो सी एस वी फाइल है ये इसमें जो डाटा है या जो कॉलम्स हैं वो कैसे सेपरेट हो रहे हैं, या वो टैब के थ्रू सेपरेट हो रहे हैं या सिंपली या कॉमा के थ्रू सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बताना है इसको। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा मेरी फाइल है ना वो टैब के थ्रू सेपरेट हो रही है, तो ये लिखे मैंने सेप इक्वल टू और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने टैब क्लिक कर दिया तो वो टैब की स्पेस आ गई, ठीक है। और दूसरा जो पैरामीटर इसको मैं पास कर रहा हूँ वो हेडर, क्या जो मेरा डाटा है उसका मैंने हेडर मेंशन किया हुआ है जो फाइल है मेरी उसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मैंने उसका हेडर नहीं बनाया, ठीक है, वो सीधा सीधा डाटा ही है, ठीक है। तो अब ये देखें ये इसका नन हो गया है, ठीक है। तो ये उसके साथ ही मेरी यहाँ पे इस स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, इसके एंड पे सेमी कॉलन नहीं होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ रीज़न, ठीक है, इसमें हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास अगली जो स्टेटमेंट है, हाँ जी, उसके बाद हमारे पास अगली जो स्टेटमेंट है वो है प्रिंट की। वो हम डाटा को लोड कर लिया तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो सही तरीके से लोड हो गया है या नहीं, तो हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट की कमांड इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट्स होंगी उसके अंदर, हमारे पास डबल कोट्स हैं उसके अंदर, हम बताना चाह रहे हैं कुछ, लिखना चाह रहे हैं डेटा सेट लेंथ, ठीक है। अब डेटा सेट की लेंथ कितनी है ये बैंक मुझे, कितनी रोज हैं उसके अंदर, ठीक है, ये मैंने फाइंड करना है। तो अब उसके बाद अब मैंने कैटेगरी
कैटिनेट कर दिया, LEN का फंक्शन है और जो बैलेंस डाटा है वो इसको मैंने एज ए पैरामीटर के तौर पे पास कर दिया है, ठीक है, बैलेंस डाटा। अब इसको बैलेंस डाटा का मैंने पास कर दिया है और अब आप देखें कि ये आपके सामने है। और अब जो अगली स्टेटमेंट है वो मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं अपने डाटा की शेप देखना चाहता हूँ, मतलब कि मेरे डाटा में कितनी रोज़ है, कितने कॉलम्स हैं, किस तरह का उसका शेप है। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ दोबारा से और मैं कहता हूँ कि डाटा सेट शेप, ठीक है, और इसमें मैं बता रहा हूँ बैलेंस, ये मेरा जो डाटा जिस वेरिएबल के अंदर है उसका नाम है बैलेंस अंडरस्कोर डाटा डॉट शेप, ठीक है, ये उसकी शेप है, वो ये दो चीज़ें प्रिंट करके मुझे दे दे, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे पास अगली स्टेटमेंट है कि हम डेटा सेट ऑब्जर्वेशंस को प्रिंट करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं हमारे डेटा में क्या है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कमांड देंगे, प्रिंट, और इसका मैंने इसको दिया डेटा सेट, ठीक है। उसके बाद इसको डेटा डॉट हेड का वो पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है, और रिटर्न रिटर्न क्या कर रहे हैं, बैलेंस इसको डेटा, जो हमारा बैलेंस डेटा का वेरिएबल है वो हमने उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें कि जो डेफ का फंक्शन है, डेफ इंपोर्ट डेटा, इसके अंदर जो सारी जो दो चार पाँच पाँच इसकी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये पाँच की पाँच स्टेटमेंट्स हैं वो एक टैब आगे हैं, डेफ से एक टैब आगे हैं, इसका मतलब है इस फंक्शन की ये पाँच स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और इसने हमें रिटर्न क्या किया है, बैलेंस डाटा, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन इसका कंप्लीट हो गया, तो अब हमने क्या करना है, एक और फंक्शन हम बनाने लगे हैं, ठीक है जी। तो उसका फंक्शन का नाम है स्प्लिट डाटा सेट, कि हमने अपने डाटा सेट को स्प्लिट करना है, और ये चूंकि एक नया फंक्शन है और ये जो इंपोर्ट डाटा के साथ वाले लेवल पे आना चाहिए, तो अब देखें कि मैंने इसको इसको डेफ डिफाइन करने लगा हूँ स्प्लिट डाटा सेट के नाम से, ठीक है, ये स्प्लिट डाटा सेट के नाम से मैंने फंक्शन बनाया है। अब इसमें मैं एक पैरामीटर पास करना चाहता हूँ और वो पैरामीटर क्या है, बैलेंस डाटा, ये जो पैरामीटर बनाया है जिसके अंदर मेरा डाटा है उसको मैं पास करना चाहता हूँ, कॉलन का मतलब है मेरा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आप उसके नीचे मेरी स्टेटमेंट सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं आप उसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स के नाम का और उसको क्या करता हूँ, वैल्यूज असाइन करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास है जी बैलेंस इसको डेटा डॉट वैल्यूज, ठीक है, अब कॉलन 125। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ डेटा को फेच करने लगे हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉलन मेरे पास क्या है, जो पहला पैरामीटर है इसका ब्रैकेट के अंदर वो है कॉलन, कॉलन का मतलब है ऑल रोज, ठीक है, और हमारे पास उसके बाद हमारे पास है जी वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके बाद कॉलम्स हैं कि कितने कॉलम हमें लेने हैं। तो इसमें हमारे पास जो डाटा है, लेट मी चेक, उसमें हमारे पास रेस्टोरेंट का डाटा है, उसमें हमारे पास क्या क्या है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कॉलम हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, और जो हमारे पास वाई है वो क्या होगा, वो हमारे पास है जी वाई की वैल्यू हमारे पास होगी बैलेंस बैलेंस डेटा डॉट वैल्यूज, और
हमारे पास है ये 10th कॉलम है, ठीक है। उसके बाद ये हमें दो एक्स की वैल्यूज यहाँ पे डिसाइड करनी है और वाई की वैल्यूज यहाँ पे डिसाइड करनी है, ठीक है। कि हमने अपने डेटा के सेट को क्या कर दिया है, उसको पार्टीशन बता दिया है, किसमें हमारा फीडबैक वेरिएबल कौन सा है और इसमें हमारा जो फीडबैक वेरिएबल कौन सा है और इसमें हमारा डेटा या आम जो डेटा है, आर्गुमेंट्स हैं या एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, ठीक है। तो अब मैं ऐसे करता हूँ कि जो डेटा है ना उसको कॉपी करके आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। कॉपी, ये मैं फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, आपको ये नज़र आ रहे हैं कि नंबर्स कुछ आपको यस सर, आ रहे हैं। ये 10 वगैरह, ठीक है। तो ये वही बेटर डेटा है जो कि रेस्टोरेंट का डेटा है। तो मैंने इसको 1-2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि जहाँ पे 1 था, 1 है वहाँ पे यस था, और यहाँ पे 0 है वहाँ पे नो था, ठीक है। तो अभी जो हमारा आखिरी कॉलम है विल वेट, कि वेट करना चाहिए कि नहीं। तो ये आखिरी कॉलम में 1, पहली वैल्यू 1 है, इसका मतलब यस है, फिर नो है, फिर यस यस नो यस नो यस नो 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 यस, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने सारे डेटे को इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि उसको लोड करने में आसानी रहे, ठीक है। अब इसी डेटा को हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कि हम कह रहे हैं कि जो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 जो कॉलम हैं वो क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसके आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, डेटे के हमारे वेरिएबल्स जो हम कहते हैं। और जो आखिरी कॉलम है वो क्या है, फीडबैक है, कि हम वेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये देखें, हमने कोड के अंदर यही सबमिट किया है। कोड के अंदर हमने क्या है कि पहला हमारे पास पहले जो हमारे पास हैं वो 0 से 9 वो कॉलम है, और फिर जो 10th कॉलम है वो हमारे पास क्या है, वो बता रहे हैं कि उसके अंदर फीडबैक है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ मजीद वेरिएबल जो हैं वो अब डिक्लेयर करेंगे। वो क्या वेरिएबल्स हैं, हाँ जी, सबसे पहला है एक्स ट्रेन, फिर उसके बाद है एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, ये दो वेरिएबल हैं। उसके बाद हमारे पास है वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा, उसके बाद है वाई अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन, ये एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, टेस्ट स्प्लिट। और इसमें हम क्या क्या पुट करेंगे, इसमें हम एक्स पुट करेंगे जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, इसमें हम वाई पुट करेंगे जो ऊपर डिफाइन किया है, और इसमें हम टेस्ट साइज पुट करेंगे, टेस्ट का कितना साइज है वो हम पुट कर रहे हैं 0.3, और रैंडम स्टेट, ये हमने इसको एक फंक्शन कॉल किया है जिसको हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का नाम का फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। उसको हमने एक्स वाई जो ऊपर वैल्यू हमने डिफाइन की है और दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं फॉर ट्यूनिंग आप कह दें, और टेस्ट साइज का मतलब है कि हमारा टेस्ट साइज कितना होगा, कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज 9 रोज हैं, फर्स्ट करें 9 रोज हैं, तो 0.3 जो है उसका थर्ड पार्ट, 1/3 जो है वो टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे इस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, और हम बाद में जब हम इसको ट्यूनिंग करेंगे या इसको देखेंगे तो हम इसको इसकी वैल्यूज को चेंज करके देखेंगे, ठीक है। ताकि अगर हम क्या हम देखेंगे, चेक करेंगे क्या हमारी एक्यूरेसी पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। उसके बाद बेटा हम रिटर्न करेंगे, इस फंक्शन में क्या रिटर्न करेंगे, इसमें हम एक्स रिटर्न करेंगे, वाई रिटर्न करेंगे,
और एक्स अंडरस्कोर ट्रेन का वेरिएबल रिटर्न करेंगे, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट का वेरिएबल रिटर्न करेंगे और वाई अंडरस्कोर ट्रेन रिटर्न करेंगे और वाई अंडरस्कोर टेस्ट जो है उसका वेरिएबल हम रिटर्न करेंगे। ठीक हो गया। तो ये कुछ सेकंड फंक्शन के हमारे पास वेरिएबल हैं जो हमने रिटर्न कर दिए। ठीक है, अब ये दो फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब ठीक है, अब हमारे पास एक और फंक्शन हम डिफाइन करने लगे हैं। ठीक है, अच्छा अब नहीं बेटा, हमारे पास कुछ फंक्शन हमने देखा था। एक एक तो हमने एंट्रॉपी वाला फंक्शन या इन्फॉर्मेशन गेन वाला फंक्शन देखा था, तो वो भी यहाँ पे बिल्ट इन है। और हमने एक फंक्शन और देखा था जिसको सॉरी हमने ये फंक्शन देखा नहीं है, कि एक और एंट्रॉपी की तरह ही एक कैलकुलेशन है जिसको गिनी GINI जिनी या गिनी, अब मुझे नहीं पता इसको सही तरीके से प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ये ऐसे एंट्रॉपी को जैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वैसे ही इसको हम प्रोनाउंस करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको आप बाद में गूगल वगैरह पे सर्च करके इसको देख सकते हैं। GINI मेजर इसको कहते हैं, ये क्या है बेसिकली, ये एंट्रॉपी की तरह की ही कैलकुलेशन है। तो हम उसके लिए एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करने लगे हैं, इसके बाद हम एंट्रॉपी वाला एक फंक्शन भी यहाँ पे डिफाइन करें। ठीक है जी, डेफ फंक्शन का नाम है ट्रेन यूजिंग गिनी। अच्छा जी, अब इसमें एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, ये वो वेरिएबल्स हैं बेटा जो हमने वाई अंडरस्कोर कॉलम लगा के बता रहे हैं कि अब हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, अब क्या होगा, हमारे पास एक वेरिएबल है, पहला वेरिएबल हम CLF इन्हीं के नाम से हम बनाते हैं, एक वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको वेरिएबल के साथ वो इंटीजर करेक्टर और ये वो लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करें, आप सिंपली वेरिएबल का नेम मेंशन करें और काम शुरू कर दें। ठीक है, तो इसमें पाइथन लैंग्वेज का ये एक बेनिफिट है बाकी लैंग्वेज से, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज है और इसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जो कि बाकी लैंग्वेज में होती है। अब हम इस जो है इसको असाइन करेंगे डिसीजन ट्री क्लासिफायर, इसको पैरामीटर पास करेंगे। पहला पैरामीटर है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन इज इक्वल टू GINI। दूसरा पैरामीटर इसको पास कर रहे हैं रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 100। और तीसरा पैरामीटर हम इसको पास कर रहे हैं मैक्सिमम डेप्थ इज इक्वल टू 3। ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये रिलेटेड टू दिस मेजर हैं। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम क्या इसे हमारे जब हम तैयार कर लेंगे अपना मॉडल, तो उसके अंदर हम इसको चेंज करके देख सकते हैं कि क्या फर्क पड़ता है हमारे रिजल्ट। ठीक है, ये हमने एक कॉल की है, इसके बाद हम क्या करेंगे, CLF underscore गिनी डॉट फिट, और इसमें हम फिट आपको बताया था कि हम कोशिश आप इस फिट में इस फंक्शन क्या करेगा, वो अपने डेटा पॉइंट्स के साथ इसको कोशिश करेगा कि उसका डिफरेंस कम से कम हो जाए। ठीक है, कर देगा CLF, ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। डेफ ट्रेन यूजिंग एंट्रॉपी, एंट्रॉपी के थ्रू हम ट्रेन करना चाहते हैं, तो इसको पास करेंगे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट और वाई अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक है,
ये तीन पैरामीटर हमने इसको पास किए हैं और इसको कॉलन डाला है कि ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो पहला पैरामीटर है क्राई एरियन, ये अब हम कौन सा इस्तेमाल करने लगे हैं, इज इक्वल टू क्राइटेरियन है इंट्रोपी, इंट्रोपी आपने पढ़ा हुआ है ठीक है, इंट्रोपी। और इसका दूसरा पैरामीटर है रैंडम स्टेट इक्वल टू 100, और इसका मैक्सिमम डेप्थ आप कहते हैं वो क्या है, वो आपने 3 पुट किया ठीक है, वो ट्री जो हमारे पास डेप्थ उसकी है वो मैक्सिमम आप क्या चाहते हैं वो आप बता सकते हैं, और बराबर आपसे कह रहा हूँ ठीक है। तो ये ऐसे जिस स्टेट में वेरिएबल्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं इसलिए ठीक है। अच्छा ये हम इसकी एक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट इसके ऊपर आएगी सी एल एफ एंट्रोपी इज इक्वल टू द सी एन थ्री प्लस सी फाइव ठीक है, द सी एन थ्री प्लस सी फाइव और ये हमारे पास स्टेटमेंट है कम्प्लीट ठीक है। बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे इस एंट्रोपी के सारा फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेंगे फिट एक्स अंडर स्कोर ट्रेन वाई अंडर स्कोर ट्रेन ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न करेंगे ये लेफ्ट ट्रॉपी ठीक है, ये ट्रॉपी की कैलकुलेशन करता है। अब हमने प्रडिक्शन करनी है, एक और फंक्शन हम बनाएंगे जो कि क्या करेगा प्रडिक्शन करेगा, अब इन इनकी इन वैल्यूज के ऊपर इन फंक्शंस के ऊपर अब बेस होकर वो प्रडिक्शन करेगा, और उसका नाम हमने प्रडिक्शन रखा है, और उसमें हम पास कर रहे हैं एक्स अंडरस्कोर टेस्ट का वेरिएबल और सी एल एफ ऑब्जेक्ट और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई प्रेडिक्ट, इसको वाई प्रेडिक्ट को हम क्या साइन करेंगे सी एल एफ ऑब्जेक्ट डॉट प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट एक्स अंडरस्कोर टेस्ट ठीक है, और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे इसको प्रिंट, प्रिंट में हम क्या करेंगे प्रेडिक्टेड जो वैल्यूज प्रेडिक्ट किए हैं तो वो कौन सी हैं वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट ठीक है जी, और रिटर्न हम क्या कर देंगे रिटर्न वाई प्रेडिक्ट ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास प्रडिक्शन की जो वैल्यूज हैं वो फंक्शन हमने बता दिया, उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम कैलकुलेट की एक्यूरेसी कितनी है, उसको वाई हमने वाई अंडरस्कोर टेस्ट और वाई अंडरस्कोर प्रडिक्ट ठीक है, ये दो हमने वेरिएबल इसको पास कर दिए हैं टू कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल और कॉलन, और उसके बाद हम क्या करेंगे प्रिंट एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का एक कंसेप्ट है जी, अब पता नहीं आप कितने लोगों को आइडिया है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का, तो अब आपने आप ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए बेटा ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट करेगी ठीक है, अब जो दूसरी स्टेटमेंट है वो एक्यूरेसी को प्रिंट करेगी ठीक है, जो एक्यूरेसी हमारे मॉडल की है एक्यूरेसी वो बताएगी कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, उसने कितने कितनी कितनी अच्छी लर्निंग की है, उसमें कितनी एरर है, कितनी अच्छी उसने लर्निंग की है ठीक है। तो इसका एक्यूरेसी स्कोर पैरामीटर इसको पास हो रहे हैं वाई अंडरस्कोर
टेस्ट, और दूसरा पैरामीटर उसको पास हो रहा है वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से ताकि हम उसको परसेंटेज की फॉर्म में आपके सामने शो कर दें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट, ये जो डाटा है जो एक्यूरेसी हमारे पास आएगी उसको हम रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके भी हमारे पास एक क्लास है, तो उसमें उसको हम कॉल करेंगे उसके उसको, और उसको कॉल करने से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी हमारे जो हमारा मॉडल है उसने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, हमारे पास कैलकुलेट एक्यूरेसी का फंक्शन है, ये हमने इसको अब हम इसकी स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट रिपोर्ट ठीक है, और ये इसके अंदर आएगा। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और वाई अंडरस्कोर टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट, ठीक है, और उसके बाद ये बेटा हमारे पास फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमने जो स्मॉल फंक्शन थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए, अब मेन फंक्शन हम बनाने लगे, तो अब मैं उसको मेन फंक्शन जो है ना उसको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो ठीक है, तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपको, और उसके बाद थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर आपकी एमएस की क्लास है उसको एमएस की क्लास को एंड करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने डेफ मेन का फंक्शन यहाँ पे उसका नेम आ गया, तो उसके बाद यहाँ पे पहला हमारे पास है वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया डेटा के नाम का, उसमें हमने इंपोर्ट डेटा का जो फंक्शन है वो कॉल किया है, उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ये देखिए एक ही लाइन में हमने मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, एक्स वाई एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट एक्स वाई ट्रेन वाई टेस्ट, और स्प्लिट डेटा सेट का जो फंक्शन है वो हमने उसको कॉल किया है, उसी के ऊपर हमने एक दफ़ा हमने गिनी को कॉल किया, एक दफ़ा हमने इंट्रॉपी को कॉल किया। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रिंट किया है रिजल्ट्स को, तो पहले हमने रिजल्ट के साथ गिनिंग के साथ जो है ना किया है प्रडिक्शन और एक्यूरेसी को कैलकुलेट किया है, उसके बाद हमने एंट्रोपी के साथ कैलकुलेशन की है, और फिर एंट्रोपी के साथ उसको कॉल किया है। ठीक है, और लास्टली हम अपने मेन फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इफ नेम, ये एक पाइथन लैंग्वेज का एक टिपिकल एक मेन को कॉल करने का तरीकेकार है, इफ अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इज इक्वल टू मेन, तो यहाँ पे मेन का यहाँ से बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, तो अब हम इसको बिल्ड करते हैं, तो लेट्स सी क्या बनता है इसका। हाँ जी, बिल्ड की कमांड मैं देता हूँ, नीचे एग्जीक्यूट हो रही है और हमें पता नहीं चल रहा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं। डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इंपोर्ट नहीं कर सकता जी, क्यों नहीं कर सकता भी, क्या मसला है आपको। स्केलर जी, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अब करता हूँ, लेट्स सी, इसको मैं करता हूँ सेव, और टूल्स में जाकर दोबारा से बिल्ड करता हूँ। हाँ जी, अब क्या रहता है, नो मॉड्यूल नेम मैट्रिक्स। हाँ जी, इसको
स्पेलिंग मिस्टेक। ये देखें बेटा, बेटा इसने ये कुछ जो फंक्शन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट थी, तो आप देखिए कि डेटा सेट लेंथ 12 है हमारे पास और डेटा सेट की शेप जो है वो 12 11 है, मतलब इसकी 12 एग्जांपल्स हैं और 11 कॉलम्स हैं इसके, ठीक है। और ये कुछ डेटा सेट का उन्होंने पहले 5 जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दिए, ठीक है जी। तो उसके बाद हम आए आगे, तो डिसीजन ट्री क्लासिफायर इज नॉट डिफाइंड, वो कह रहे हैं कि डिसीजन ट्री क्लासिफायर इज नॉट डिफाइंड, क्लास सी फायर, हाँ जी क्लास सी फायर है, क्लास सी फायर नहीं है, हाँ जी F5। F5ER, ठीक है F5ER है। अब मैं दोबारा से बिल्ड कर रहा हूँ अपने क्वेश्चन को, ट्रेनिंग यूजिंग एंट्रोपी इज नॉट डिफाइंड, ट्रेन यूजिंग एंट्रोपी, ठीक है। इसको मैं अब बिल्ड करता हूँ, हाँ जी। अब इसको उसने कैलकुलेशन कर दी है, अब ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज कुछ उसने बताई हैं, और उसके बाद एक्यूरेसी जो है वो मॉडल की एक्यूरेसी सिर्फ 25% है, सिर्फ 25%। और जो मैट्रिक्स है ना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, वो यहाँ पे लिखा है 0 3, और फिर ये जो 0 उसके नीचे आएगा और फिर 1 आएगा, 0 3 0 1, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरी एक्यूरेसी है, एक तो एंट्रोपी की है, पहली हमारे पास जीनिंग की थी और दूसरी एंट्रोपी की है, एंट्रोपी में भी हमारे पास एक्यूरेसी ओनली 25% है, ठीक है। यहाँ पे उसने प्रेसीजन कॉल रिकॉल, प्रेसीजन F1 स्कोर, ये सारे का सारा कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें स्क्रीन को, तो आपको कुछ बेहतर फॉर्मेट नज़र आ जाएगा। एक्यूरेसी 25% है, प्रेसीजन 0.4 है, रिकॉल, ठीक है। ये उसकी कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। क्या होता है प्रेसीजन एक्यूरेसी से क्या मुराद है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से क्या मुराद है, रिकॉल F1 से क्या मुराद है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास कोड था, ये कोड मैंने नेट से लिया हुआ था डिसीजन ट्री का, तो